हाय गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल है सभी का? एक बार सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए। सुपर तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं जी आज का सेशन। मस्त तरीके सुपर तरीके से रेडी हो जाइए। एकदम जबरदस्त तरीके से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रेडी हैं? आपको आवाज सही तरीके से आ रही है तो मुझे एक बार एक्नॉलेज करते जाइएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, आज के सेशन का जो एजेंडा है ये है इंग्लिश वोकैबुलरी। ये सेशन आपकी बहुत सारे एग्जाम्स के लिए एकदम डायरेक्टली इंपॉर्टेंट। ओके तो दोस्तों, आप में से वो स्टूडेंट जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे, ये नाम है, मेरा नाम है सौरभ ठाकुर और अन अकेडमी के ऐप पे मैं आपको दिख जाऊंगा। ओके चलिए, सभी लोग मजेदार तरीके से लॉग इन करते जाइएगा और यहां से मस्त तरीके से एक सवा घंटे के आसपास हम सेशन रखें और आपको मजा आएगा। एक एक वर्ड्स को बढ़िया से देखिएगा एंड मोर इम्पोर्टेंटली आपको ध्यान रखने में आसानी होगी। ठीक है जी, चलो सभी लोग रेडी हैं तो एक बार अपलोड करो भी और फिर अपने यहाँ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार रेडी है तो बताइए मुझे। सभी लोग रेडी हैं मस्त तरीके से? दोस्तों एक मूवी आई थी, क्या नाम है इस पिक्चर का, टू स्टेट्स, बढ़िया पिक्चर है। यहाँ क्या लिखा, पंजाबी मदर इन लॉ से डेंजरस कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। आपको दो अच्छे वर्ड देता हूँ इसके, पंजाबी मदर इन लॉ से डेंजरस कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में। पेरिलस, मिस एट योर ओन पेरिल बोलते हैं ना, पेरिल, पेरिलस इज समथिंग दैट हैज लॉट ऑफ रिस्क, लॉट ऑफ डेंजर। ओके, डेंजरस के लिए अच्छा सिनोनिम आपको देता हूँ। मेरे साथ ना जितने भी वर्ड्स आपको बताऊंगा लिखिएगा, जब लिखेंगे तो आपको मजा आएगा। पंजाबी मदर इन लॉ से डेंजरस, PERILOUS, पेरिलस। पेरिल वर्ड जहां पर भी आता है रिस्क को लेके आता है, डेंजर को लेके आता है। ओके सो यहां पे ये रहा डेंजरस। ठीक है दोस्तों, एक और अच्छा वर्ड, इसके ऊपर एक डबल स्टार लगाइएगा, काफी अच्छा वर्ड है। इसके अलावा पंजाबी मदर लॉ से ज्यादा प्रिकेरियस, प्रिकेरियस कुछ भी नहीं होता, कुछ भी रिस्की नहीं होता, डेंजरस नहीं होता। ऑल गुड, और भी चाहो तो लिख सकते हो यार, थ्रेडनिंग, टुमुल्टस, कुछ भी रख सकते हो, राइट। चलो तो क्या क्या वर्ड देखा हम लोगों ने अभी, एक बार जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताओगे क्या। पंजाबी मदर इन लॉ से ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, डेंजरस के लिए क्या लिखवाया दोस्तों मैंने आपको, कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग लिख के बताइएगा। पेरिलस, मिस एट योर ओन पेरिल, PERILOUS, पेरिलस। पंजाबी मदर इन लॉ से ज्यादा डेंजरस, प्रिकेरियस, प्रिकेरियस लाइट नोट पे पढ़ेंगे। एक और वर्ड मैंने बोला था प्रिकेरियस, स्पेलिंग बताइएगा, अच्छा वर्ड है। ये दोनों के दोनों बढ़िया वर्ड्स है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। पंजाबी मदर इन लॉ से ज्यादा प्रिकेरियस, प्रिकेरियस कुछ भी नहीं होता है इस दुनिया में, राइट। पेरिलस, प्रिकेरियस, थ्रेटनिंग, ए अच्छा वर्ड बताता हूँ, टुमुल्ट, टुमुल्टस बोलते हैं ना, टुमुल्ट, TU, वेरी गुड, MULTOUS, टुमुल्टस। आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ टुमुल्टस करते हैं। ठीक है भाई, सभी लोग साथ चल रहे मेरे एकदम मस्त तरीके से? चलो एकदम मजेदार तरीके से साथ चल रहे हैं। तो दोस्तों, विराट कोहली साहब अनडाउटेबली एकदम द मोस्ट खतरनाक जबरदस्त बैट्समैन लगते हैं, नेक्स्ट लेवल लगते हैं। हमने बोला विराट कोहली साहब के लिए, सर इनकॉन्ट्रोवर्टेबली यू आर द बेस्ट बैट्समैन, बिना किसी कंट्रोवर्सी के। इसमें से देखिएगा, इन, हाँ बोलो, कंट्रोवर्टेबली, माइक पे आ जाओ, क्या बोलना बोलो, इनकॉन्ट्रोवर्टेबली नहीं, इनकॉन्ट्रोवर्टेबली इज बिना किसी कंट्रोवर्सी के। कॉन्ट्रोवर्सी, कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रोवर्ट जहां पर भी आता है कॉन्ट्रोवर्सी को लेके आता है, याद रहेगा आप सभी को। ठीक है,
इनकॉन्ट्रोवर्टिबली आई के वर्डलेस इंपॉर्टेंट होते दोस्तों, इररिफ्यूटेबल, आई आर आई आर आर ई एफ यू टी ए बी एल, इररिफ्यूटेबल, इररिफ्यूटेबली, बिना किसी, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, अनडिनाइबल, अच्छा वर्ड है कि नहीं? ठीक है, अच्छा दोस्तों इसका आंसर मार्क करेंगे, किस तरह की हेल्प कर सकता हूं दोस्तों मैं आपको, आई एम सॉरी टू हियर दैट, आंसर मारेंगे दोस्तों सभी लोग, इररिफ्यूटेबल सिनोनिम मारना जी, इररिफ्यूटेबल, स्ट्रेंज, ब्लॉक, सर्टेन, इंफीरियर, क्या बोलते हो अर्चित, किस तरह की हेल्प कर सकता हूं दोस्तों आपको, बाकी लोग इसका आंसर दीजिए, इररिफ्यूटेबल इज समथिंग दैट इज एब्सोल्यूटली सर्टेन, ऐसा पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट विच यू कांट रिफ्यूट, ओके, इररिफ्यूटेबली सर्टेन, नहीं, ब्लॉक मतलब कैसे, सर्टेन, इररिफ्यूटेबल जिसको रिफ्यूट नहीं कर सकते, जिसको डिनाई नहीं कर सकते, है ना, इनडिलायबल, इनडिलायबल से बोला, इनडिलायबल क्या होता है, जिसको मिटाया ना जा सके, इनविंसिबल जिसको जीता ना जा सके, इनडिस्पेंसिबल जिसको रिप्लेस ना किया जा सके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आई का वर्ड लिस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, मजा आया सभी को यहां तक के, चलो मैं पूछूंगा ना, ध्यान रखना, इससे रिलेटेड मैंने क्या वर्ड्स बताए थे दोस्तों, यहाँ पे या तो आप यहाँ पे आ जाओ माइक पे, अगर आपको पर्सनल में से बात करनी है तो अपन संडे को बात कर सकते हैं दोस्त, ठीक है, वी कैन टॉक दिस संडे, क्या वर्ड है दोस्तों, पंजाबी मदर इन लॉ से ज्यादा डेंजरस कुछ भी नहीं होता इस दुनिया में, पंजाबी मदर इन लॉ से ज्यादा डेंजरस, पेरिलस, प्रिकेरियस कुछ भी, समझ आ गया, लिंक्डइन में मैसेज ड्रॉप कर दो यार, छोड़, ठीक है, लिंक्डइन में मैसेज ड्रॉप कर दो, विराट कोहली साहब के लिए दो वर्ड्स क्या कहते हैं गाइस, निसंदेह वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट, वर्ल्ड क्रिकेट के आज के टाइम के तो द बेस्ट बैट्समैन है भाई, हम लोगों ने दो वर्ड्स लिखा था और वर्ड्स वर्ड्स क्या थे, इनकॉन्ट्रोवर्टिबली या फिर इररिफ्यूटेबल, जिसको रिफ्यूट ना किया जा सके, एक ऐसा पीस ऑफ आर्ग्यूमेंट, करेक्ट है सृष्टि कि नहीं, सही है, एक शो आता था ना ये राम जी और क्या नाम है इनका, साक्षी तनवर जी का, बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, हमने बोला कॉपियस अच्छे लगते, कॉपियस, कॉपियस का मतलब होता है यार किसी भी चीज की प्रचुरता, ठीक है, ये वर्ड लिख के रखो और मैं आपको दिखाता हूं, अभी 2023 में वर्ड आया था कॉपियस, और कोई कुछ बताना चाहता है, सी ओ, गूगल कर लो चलेगा, गूगल करके भले बताओ, लेकिन बताओ, कॉपियस मतलब होता है किसी चीज की प्रचुरता, बहुत ज्यादा मात्रा में उस चीज को प्रेजेंट, उस चीज का प्रेजेंट होना, ओके, प्लेथोरा, और बोलो, कम ऑन गाइस, कम ऑन, मैं एक से सवा घंटे सेशन लूंगा जी, अपने खतरनाक टाइप का जोश चाहिए भाई, प्लेथोरा, पी एल ई टी एच ओ आर, एबंडेंट, कौन बोला है ये, लैविश ना, पता क्या होता है, अय्याशी को बोलता है लैविश ने, लैविशनेस, चलो ठीक है वो भी ले सकते हो, अबंडेंट, ए बी, गूगल करो, गूगल करो आपको और मिलेगा, इनॉर्मस, जिनॉर्मस, प्रोफ्यूज, ठीक बोला आपने, किस चीज की प्रचुरता के लिए लोग बोलते हैं प्रोफ्यूज, और बोलो, अमटीन करके कुछ आया नहीं क्या गूगल में, यू एम पी टी डब्ल्यू, राइट, अच्छा, एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, नाइस, enormous, ginormous, ये सब, right? कुल मिला के कॉपियस क्या बताता है, कॉपियस बताता है किसी की प्रचुरता को,
2023 मतलब इस साल एक क्वेश्चन आया। अब आप देखो क्या पूछा, सिनोनिम नहीं पूछा था, ध्यान से पढ़ना क्या पूछा था, तुरंत आंसर मत मार्क करना, पहले पढ़ना क्वेश्चन। वेरी गुड, शाबाश। प्रोफ कॉपी देखो आप, 2023 का क्वेश्चन है भाई, ये मजाक थोड़ी है। स्केयर्स क्या होता है सृष्टि? स्केयर्स का मतलब कॉपीज, मतलब किसी चीज की प्रचुरता बहुत ज्यादा। तो अभी किसने बोला था, ये एम्पल कोई बोला था ना, मनोज बोला था, देखो मनोज एम्पल बोला था, लेकिन ये सिनोनिम हुआ। एबंडेंट आप लोगों ने बोला था, प्लेंटी या प्लेथोरा सब सिनोनिम हुआ, राइट। ऑपोजिट क्या हुआ, किसी चीज की कमी। लेकिन ना कमी के लिए, हाँ मैं तुमको और अच्छा वर्ड देता हूँ मनोज बाबू, ठीक है। मनोज जरा चेक करके लड़का हमारा बताएगा, पॉसिटी, PAUCITY, ढूंढो क्या होता है लड़के, सर्च करो क्या होता है। हाँ रुको मैं आपको इससे अच्छा बताता हूं, बेरेफ्ट, स्पेलिंग ढूंढो साक्षी आप, बेरेफ्ट, BER कंप्लीट करो आप। मनोज को मैंने काम दिया है पॉसिटी का मीनिंग, बेरेफ्ट की स्पेलिंग कंप्लीट कीजिए और मीनिंग भी देखिए आप, साक्षी सृष्टि मतलब, सॉरी क्या बोलते हैं दोनों के दोनों बच्चे। चलो भाई फटाफट बता दो यार मजेदार तरीके से यार। मिला, पॉसिटी का मतलब होता है यस, और मीनिंग क्या होता है ये भी ढूंढो भाई। बेरेफ्ट ऑफ आइडियाज बोलते हैं ना, बेरेफ्ट ऑफ आइडियाज, पॉसिटिव ऑफ इंफॉर्मेशन। कहां यार तुम बताए नहीं, मैं तुमसे पूछा मनोज कैसे कर रहे हो यार। पॉसिटी कमी को बताता है, पॉसिटिव यूजुअली इंफॉर्मेशन ओवर के साथ जाता है बट ठीक है। पॉजिटिव, बेरेफ्ट का मतलब सिर्फ लैक ऑफ समथिंग नहीं, लैक ऑफ ओरिजिनल आइडियाज। लिखो जब बोलते ना बेरेफ्ट ऑफ आइडियाज, मतलब लैक ऑफ ओरिजिनल आइडियाज, ऐसे बेरेफ्ट कमी को बताता है, लेकिन किस तरह की चीजों की, नए ओरिजिनल आइडियाज की कमी को। मजा आया, डेर्फ, वेरी गुड, शाबाश लड़के, गुड। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग गूगल करो तब तो मजा आएगा, अच्छा वर्ड है। वेल डन वेल डन वेल डन। GRE में क्वेश्चन पूछा गया, शशि जी आपने बोला ना थोड़ी देर पहले प्रोफ्यूज, चलिए इसका आंसर मारिए, सिनोनिम मारिएगा। बाकी लोग को ठीक है भाई, ऑल गुड। शॉर्ट टेम्पर्ड इसको नहीं बोलते, स्पिट फायर पर्सनैलिटी बोलते, एबंडेंट है किसी चीज प्रचुरता। हाँ प्रोफ्यूज भी तो यही है, बहुत ही आंसर, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, फिड, फिड रूट वर्ड जहां पे आएगा लिखो भाई, कोई बताना चाहता है क्या? फेथ को लेके आएगा। आप में से वो स्टूडेंट जो कहीं और पे भी फॉलो करते हुए मुझे, मैंने काफी बार पहले बोला हुआ है ना। चलो कौन बता रहा है ये दो वर्ड्स, कॉन्फिडेंट, तो आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं उसके लिए वर्ड है डिफिडेंट। स्पेलिंग कौन बता रहा है? कॉन्फिडेंट, ये आपकी गेट में टाइम आने पे आ जाएगा, ये था कॉन्फिडेंट, ये कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या होता है? आपका एक ऐसा खास दोस्त जिससे बहुत सारी बातें शेयर करते हो, कॉन्फिडेंट बोलते हैं उसे, ठीक है भाई। चलो चलो डेफिडेंट की स्पेलिंग लिखो भी, बोनाफाइड, बोनाफाइड्स, बोनाफाइड। आधार कार्ड बताता है यू आर अ बोनाफाइड सिटीजन ऑफ इंडिया, बोनाफाइड मतलब जेन्युइन सिटीजन, राइट। वेरी गुड, किसने लिखा? गुड, DIFFIDENT, डेफिडेंट मतलब बंदे को अपने ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं, उसको बोलते हैं डेफिडेंट।
बोनाफाइड्स, शो मी द बोनाफाइड्स, क्या होता है बोनाफाइड्स भाई? बोनाफाइड्स मतलब जैसे कि आपका आधार कार्ड हो गया, वोटिंग कार्ड हो गया, दुनिया के अलग 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 लाइसेंस, अलग अलग आपके आईडी प्रूफ, तो नाउन, तो बोनाफाइड हो गया आपका एडजेक्टिव एंड बोनाफाइड्स हो गया नाउन। मस्त टाइप से ध्यान रहेगा आप सभी को, सुपर तरीके से गाइस। 15 मिनट हो चुका है ना, चलो लगभग यहाँ से 45 मिनट्स, 1 घंटे के आसपास पढ़ाने वाला हूँ। चलो रेडी हो सभी लोग? ऐ मेरी जमीन तेरे का सनम, चलो भाई रेडी। जैसे मान लो रवि बाबू 1 साल के बाद गेट का एग्जाम दिया और ऑल इंडिया टॉप कर दिए, तो ये रवि हमारा नॉर्मली ऐसे दिखता है गेट का एग्जाम देने के बाद, खुश या यार वन। तो हम लोगों ने बोला क्या, एस्टैटिक रवि बाबू। एस्टैटिक मतलब भयंकर खुश, ई सी एस टी ए टी आई सी। एस्टैटिक का मतलब क्या होता है भाई? एक्सट्रीम हैप्पीनेस। सभी लोग साथ चल रहे हो? एस्टैटिक का मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस, भयंकर खुशी। अच्छा वर्ड है दोस्तों, गाइस ऑल गुड। मैं चाहूंगा आप ये वर्ड ढूंढिए तो सर, यूफोरिया। आजकल हमेशा याद रखना, ईयू किसी के आगे आता अच्छा अच्छा हो जाता, ठीक है? यूफोरिया। 1 मिनट दोस्त, यूफोरिया को जानते क्या होता है? वेरी गुड, इलेटेड, गुड सिलेक्शन ऑफ वर्ड, अच्छे वर्ड लिख रहे हो, आई एम हैप्पी। तुम गूगल करके लिखो यार, मतलब मैं जनरली बता रहा हूँ, लेकिन लिखो ना, जब तक सर्च नहीं कैसे सीखेंगे। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, हाँ यूफोरिया। आप लोगों को तो खैर नहीं पता होगा, एक सॉन्ग आया था पलाश, पलाश क्या नाम था उनका, पलाश, डॉक्टर पलाश सेन करके, मायरी करके एक सॉन्ग था, बढ़िया सॉन्ग था। उसमें एक लेडी थी, उनका नाम क्या ही तो नाम था उनका, नाम नहीं जानता उनका, लेकिन मायरी भूल गई मेरा प्यार, मायरी रंगे मायरे, सुने हो क्या? मायरी याद हो उस एल्बम का नाम था यूफोरिया, बहुत हिट था उस टाइम पे, पहले ना यूफोरिया। यूफोरिया मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस। फर्मेंट का मतलब जानते हो क्या होता है? एक्सिलरेशन। ग्ली इज अ गुड वर्ड, ग्ली बोलते भी होगे आप शायद। एक्सिलरेशन कहाँ यूज करते सर? आप झूले में बैठती हो, आप झूले में बैठते हो सृष्टि, तो मान लो क्या बोलते हैं उसको, ऐसा फिसल पट्टी झुप ऐसा हो, कैसे फिका गए, या फिर रोलर कोस्टर क्या बोलते हैं सर, तो वो ऐसा ना एक्सिलरेटिंग एक्सपीरियंस, वाह मजा आ गया। एग्जैक्टली वो मजा आ गया वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं, हाँ, फरवर, फरवेंट, आर्डेंट, पैशनेट को बोलते हैं, जुनूनी, ठीक है? तो यहाँ पे ना मैं जुनून ज्यादा ना हैप्पीनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्त? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग एक्सपीरियंस, मतलब मजा आ गया यार, क्या एक्सपीरियंस था गाइस। मैं चाहूंगा आप ये देखना से, ईयू जहां पे अच्छा हो गया ना, MEL, देखो यार मेन, MAN, MEN, MAL, MALE, कुछ भी है ना हमेशा उल्टा ही उल्टा होता है, मेलैंकली, MELANCHOLY, ये जरा ढूंढना दोस्तों, मेलैंकली क्या होता है ढूंढो, डिजोलेशन या भयानक दुख को बोलते हैं मेलैंकलीनेस, ओके? जहां पे बहुत ज्यादा दुख वाली चीज है इसको बोलते हैं मेलैंकली। डिजोलेशन आपने सही लिखा है, डिजोलेशन का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? डिजोलेशन का मतलब सैड, मेलैंकली, डिजोलेशन का मतलब समझते हो बताओ, मतलब ना अकेला पड़ गया, टूट गया एकदम, तो मतलब हट यार, वैसे वाली फीलिंग समझ यार, एकदम हट यार, हट, डिजोलेशन, ठीक है? ग्रिम रियलिटीज, हाँ ग्रिम रियलिटीज ऑफ लाइफ, डिजोलेशन समझ आ गया सभी को?
दुख दर्द तकलीफ सफरिंग्स ये क्या है भाई बॉम्ब है और ये क्या कर रहा है बॉम्बास्टिक स्पीच दे रहा है ये तो ऐसे मैंने मस्ती के लिए लगा दिया बॉम्बास्टिक सॉम्बर किस लिए लिख रहे हो सॉम्बर का मतलब होता है शांत सॉम्बर की स्पेलिंग दोनों सही है SOMBR BR दोनों सही है सॉम्बर का मतलब होता है क्या होता है सॉम्बर सनसेट एकदम थका देने वाला हार्ट यार क्या बोरिंग है उसको बोलते हैं सॉम्बर जहां पे कोई एक्टिविटी ना समझा के सॉम्बर इसको बोलते हैं एकदम बोलते जैसे कि आप बेलफुल बोलते हैं ना बेलफुल बेनफुल वो भी लिख सकते हो आप अगर सॉम्बर लिखना चाहते हो इट्स अ बेलफुल सनसेट इट्स अ बेनफुल सॉम्बर सनसेट ठीक है भाई ये बॉम्ब के लिए मैं लोगों ने क्या बोला इट्स अ बॉम्बास्टिक बॉम्ब कोई स्पेलिंग बता सकता बॉम्बास्टिक की देखो चुटैया में से आग लग गई है कभी भी एक्सप्लोड हो जाएगा तो हम लोगों ने बोला इट्स अ बॉम्बास्टिक बॉम्ब यस BOM It's a bombastic bomb. All good? दोस्तों bombastic ना थोड़ा provocative speech के लिए अपन बोलते हैं ठीक है एक वर्ड आपको देता हूं हाँ गेट दा के लिए अच्छा डी है उसके लिए मेरी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट अच्छा आप कहाँ थे जी इतने दिन तक के आप मेरे से पहले पूछे हो क्यों ना पता है आपको मैं जेनुअनली बता रहा हूँ यू आर द लास्ट पर्सन जिसके बाद में बैच को जेनुअनली कंसिडर किया आपके पहले भी बहुत सारे बच्चे मेरे को बोल रहे थे लेकिन मैं सोच रहा था शायद ही ले पाऊंगा सच बता रहा हूँ आपको मैं अभी मेरे अपकमिंग कोर्स में नहीं दिख रहा है लेकिन मैंने बना के भेज दिया दोस्त मेरी साइड से मेरी टीम ने बना के भेज दिया क्योंकि अभी वाला बैच ना 24 दिसंबर खत्म होगा तो ये वाला बैच मैंने अपने साइड से भेज दिया 29 अक्टूबर को शुरू होगा अब बताया था आपको 29 अक्टूबर दिस मंथ मतलब जो कमिंग मंथ है ओके और ये मेरी प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट मेरे हिसाब से संडे या मंडे से कर जाना चाहिए लास्ट क्लास रिकॉर्डेड की थी एग्जाम तो अच्छा जी कोई बात नहीं जी यार वो मुझे याद नहीं है जनवरी तक चलेगा ठीक है उसे क्या होगा जनवरी तक इसलिए क्योंकि फिर उसके बाद कुछ नहीं फिर डायरेक्ट एग्जाम में कूद गए सीधा ऑल गुड है दोस्तों सही चलो बॉम्बास्टिक अब मैं चाहता हूं आप ये वर्ड ढूंढिए जरा पॉम्पस भाई यार POMPOUS He is a pompous speaker. कैसा स्पीकर है Pompous. He is a pompous speaker. He is a pompous speaker. देखो pompous speaker ढूंढो क्या होता है ढूंढो बताओ मुझे क्या होता है If you say somebody imperious. हाँ pompous में क्या होता है ना एक इंसान खूब बोलता है अच्छा भी बोलता है एक्चुअली क्या देखो मैं बताता हूँ ये इंसान ना थोड़ा शो ऑफ भी है अच्छा भी बोलता है सभी का ब्लेंड है सो व्हेन यू सी अ पॉम्पस स्पीकर स्लाइटली प्रिटेंटियस तो होगा अब मेरी बात समझो स्लाइटली प्रिटेंशियस तो होगा ये स्पीकर थोड़ा शोशे वाला तो होगा प्रिटेंड करने वाला PRETEND प्रिटेंड इसका एडजेक्टिव जो होता है PRETEN अच्छा सर आप ये बोलो जो पॉम्पस स्पीकर होता है वो थोड़ा अच्छा बोलता है लेकिन ज्यादा बोलेगा बातूनी होगा शो ऑफ करेगा सर प्रिटेंटियस ओके मैं ना एक आपको नया वर्ड देता हूँ ढूंढना जरा ओरोटंड ओ आर ऐसे घबरा तो नहीं रहना मतलब मैं यार देखो अब एक एक्सपेक्टेशन के साथ क्लास आया हूँ ना थोड़ी कैसे आ गए तो मैं अपनी तरफ से ना यार आई रियली वांट टू गिव यू द बेस्ट बट थोड़ा आप वो करो तो मजा आएगा और ट्रेंड लाउड लिखा है और देखो सिर्फ लाउड तो नहीं होता
इफ यू से समबडी इज एन ऑर्डिनेंट स्पीकर, ऑर्डिनेंट क्या होता है? और देखो जो अच्छा बोलता है उसके, देखो देखो जल्दी बताओ यार, ओ आर ओ टी ऑर्डिनेंट स्पीकर, ऐसे अच्छा जो बोलता है उसी को, ठीक है भाई। अब देखो 2023 में क्या पूछा गया, ये नहीं बोले तो स्पीकर। वैसे एक बात आता है, ऐसा जो फेक लीडर होते हैं ना, कई लोग फेक लीडर होते हैं ना, लोगों को भड़काते हैं, वो कराते हैं, इनके लिए एक वर्ड है डीमेगॉग, DEMAGOGUE, डेम डेमोस डेमा, जहां पर भी आता है लोगों को लेके आता है, भीड़ को लेके आता है। डीमेगॉग वो लोग जो लोगों को प्रोवोक कर, डीमेगॉग कहलाता है। ओके ये मारो इसका आंसर, देखो 2023 का क्वेश्चन है। गाइस कम ऑन, आ जाओ भाई मैदान में जल्दी। मजा है सभी को यार, हम्बल और ऑनेस्ट, हम्बल और मॉडेस्ट एक ही होता है। यहाँ पे पूछा पॉम्पस, इज अ पॉम्पस स्पीकर, ठीक है। एक ना दोस्तों आप चाहो तो एक फ्रेज लिख, एक वर्ड लिख लो, वर्ड फ्रेज जो बोलो, गिफ्ट ऑफ गैब, कोई सुना है क्या? अगर किसी के लिए बोला जाए ना दिस पर्सन हैज गॉट गिफ्ट ऑफ गैब, इसका मतलब होता है बहुत ही अच्छा बोलता है, ठीक है, वो उसका मतलब होता है बहुत अच्छा बोलता है, एक गिफ्ट ऑफ गैब। एक और ऐसा वर्ड, ऐसे ही वर्ड लिख दो, ग्लिप टंग, लेकिन ग्लिप टंग अच्छा वर्ड नहीं है, क्यों? ग्लिप टंग का मतलब बातू नहीं होता है, नेगेटिव मतलब ऐसी जबान जिसका खुद पे कोई कंट्रोल ना, उसको ग्लिप टंग बोलते हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पीकर को देखते हैं क्या बोलता है भाई ये बंदा, गिफ्ट, दिस पर्सन हैज गॉट गिफ्ट ऑफ, क्या ध्यान रहेगा सभी को भी, सब मस्त टाइप से, दोनों के दोनों फ्रेज काफी अच्छे हैं, ठीक है। स्किप आंसर्स, एक बात चलो किसको लिया जाए बताओ, आप में से किसको लिया जाए बताओ, सृष्टि जी को, अच्छा ठीक है, लेकिन फिर आप माइंड वर्क करना लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि सृष्टि जी गेट की तैयारी करते करते थोड़े से हेल्दी होंगे, ठीक है भाई, फिर IIT में का खड़ा 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 लड़कियां मैं देखा भाई बहुत जल्दी पतली जाती है, बहुत जल्दी मोटे, मतलब बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं लड़कों का, ऐसा नहीं रहता, लड़के उम्मीद में जिंदा रहते हैं। तो सृष्टि जी से हम लोग मिले, बोले मैडम कितना कितना वेट लूज कर दिया आपने, दिस इज व्हाट शी सेड। हमने पूछा हाउ मेनी किलोज यू लॉस्ट, हाउ मेनी केजीज यू लूज या लूज लॉस्ट, तो उन्होंने बोला कि 45 kgs, 45 kgs, डिश। कौन सा आएगा दोस्तों, LOSE, विच वन इज करेक्ट, मैंने लॉस्ट बोला तो ये आ गया, नहीं ये हम लोग, हाँ, और उसके बाद हम लोगों ने, इन्होंने सृष्टि जी ने पूछा कि सर आप कैसा क्यों लग रहा है, तो हम लोगों ने बोला कि आपका ड्रेस देखो कितना लूज हो रखा है, तो बोले कि यार ये ना सर, ये क्योंकि ना ये सारे जिनसे विनसे जब मैं हेल्दी हुआ करती तब की है लूज, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मैनेजर है उन्होंने 47 kg कम कर दिया। मैंने बोला भाई ये क्या है, ये 47 kg पूरे इंसान ही निकाल दिया अपने अंदर से भाई, तो 47 kg क्या होता है यार, आधी बची हुई है वो। अरे सीरियसली यार, अच्छी मतलब मिडिल एज वुमन है, उनका 23 साल का तो बेटा है उनका और एक बेटी है उनकी, मतलब गजब यार, खतरनाक इंसान हो, इंस्पिरेशनल व्यक्ति हो आप, तो ना सारे कपड़े लत्ते सब हो रहे हैं आप लूज, लूज मतलब ढीले ढाले। ओके ये आपके क्या नाम इस एग्जाम का, अच्छा कसिनो गए तो फिर व्हाट इज दैट यू लूज, हाउ मच इज योर लॉस, What is that you lose? Marvelous cancer. Take your time.
The policeman asked the victim of the theft, "What did you lose?" Raj, what did you lose, ladke? Kya khoya, kya lose kiya aapne? Ye to lose, dhile dala. Ek tire idhar ka aur ek tire idhar ka. Dekho do O aa gaye. What is your loss here? Ye lose, theek hai? Apne apne sir ko chuo, usme jo juen niklenge wo ye hai. Theek hai? दोस्तों आप में से 100% कई लड़के लड़के ऐसे होंगे जो भाई साहब इतने ज्यादा इमोशनल, इतने ज्यादा तेरे नाम देख के आज भी रोते होंगे, है कि नहीं? क्या सर इतना बुरा हो भाई के साथ, जो भी है. तो आप में से वो लड़के लड़के जो ऐसे बहुत ज्यादा इमोशनल है, उनके लिए एक वर्ड मैं देता हूं. वर्ड है, वर्ड है क्या बताओ? हियर इट विल बी डिफिकल्ट आदर्श, बट आई विल टेल यू द वर्ड इन इंग्लिश. ओके, that word is maudlin, maudlin. What is maudlin? Somebody is excessively sentimental, over sentimental, right? Somebody who is over sentimental. For passionate to jununi wala nahi, sorry, passionate nahi aaya, passionate mein sentiment aaya tha. नहीं, सॉरी, पैशन नहीं आएगा. ठीक है, देखिए हम लोग ना किसकी बात कर रहे हैं, सेंटिमेंट की बात कर रहे हैं. ठीक है, एक देखो अच्छा वर्ड देखो, दिस अ गुड क्वेश्चन, मारो. When he did not come home, she imagined him lying on the. She imagined him. When he did not come home, she imagined. This lady imagined. Right? Somewhere. Looked to nahi hoga, imagined, right? He's the body. This guy is not in front of her. Pictured, imagine, अच्छा वर्ड है. नोटिस तो सामने होगा, उसको नोटिस करोगे ना. यू विल नोटिस समथिंग दैट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, शी कंक्लूडेड. सो टू मेक एनी सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन यू नीड अ प्रीमाइस, राइट? यू नीड अ प्रीमाइस. सो हियर इन दिस केस, व्हेन ही डिड नॉट कम टू ऑफिस, शी कंक्लूडेड ही वॉज डेड. करेक्ट. She imagined him lying dead. This is not just concluded. Lying is something that they have pictured. All good, Abhi? She imagined, she concluded he is dead. Chal jata. Nahi aaya ghar, mar gaya hoga. Aisa kaise hai? Bahut hi rogue statement hai, raw statement hai. Sorry for that, but the lady to bhi bol rahi hai, main kya bolu? Hai ki nahi? चलो गाइस, 35 मिनट्स करीब हो चुका है, यहां तक मजा आया सभी को. एक बार पूछूं, व्हाट एवर वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, द गाइस हु हैव जॉइंड लेट, परेशान मत होना गाइस. आपकी स्क्रीन पे जो भी वर्ड आए, जो दिल करता है वो आंसर मारना. व्हाट वाज द वर्ड फॉर दिस? जो दिल करता है वो मारना आंसर. मस्त मजा आएगा. एलेटेड और E-A-C.
भूल गए स्टैटिक, स्पेलिंग लिखो भाई स्टैटिक की, ई से खुद से। यार जब तक आप नहीं लिखोगे दोस्तों तो मजा नहीं आ पाएगा, बात को समझो। सृष्टि फर्वेंट छोड़ दो, फर्वेंट ना पता क्या होता है, फर्वेंट ना पैशन, वो जो पैशनेट बोलते ना वो होता है, ये तो हंसी मजाक वाला है ना। फर्वेंट अच्छा वर्ड है, यहां पर मत यूज करो। फर्वेंट ना स्टैटिक, स्टैटिक मतलब बहुत हंसी मजाक मस्ती, ये फर्वेंट ना जुनून के लिए होता है। फर्वेंट, फर्वर, गुस्से के लिए, जुनून के लिए, पैशन के लिए, आर्डेंट के लिए, ऐसे। ठीक है, स्टैटिक, ECS TATIC, रवि ठीक लिखा लगे ना। एक्सिलरेटिंग, तुमको पता है मनोज, तुमको ताज्जुब होगा अगर मैं तुमको बोल दूंगा तो, एक्सिलरेटिंग SSC के एग्जाम में स्पेलिंग में पूछा गया था, सोचो, एक्सिलरेट पूछा गया था। बड़े अच्छे लगते हैं ऐसे, यार वो 30 सेकंड देता हूँ, जो मन करा पोस्ट कर, लेट्स सी। वर्ड है बड़े अच्छे लगते हैं, क्या क्या हम लोगों ने बोला, बड़े अच्छे लगते हैं, प्रोफ्यूज अच्छे लगते हैं, चाय पिया था क्या, प्रोफ्यूज अच्छे लगते हैं, और बोलो बहुत सारे, अबंडेंस। चलो 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 यार, पोस्ट तो करो यार, किसे खड़े हो यार। प्रोफ्यूज, अबंडेंस, इनॉर्मस, जिनॉर्मस, गैलोर, राइट, ऑल गुड, गुड गुड गुरी। चलो दो और पूछूंगा एंड देन विल प्रोसीड फर्दर, ओके। चलो भाई, हम लोगों ने बोला व्हाट डिड यू लूज, LOSE, राइट, LOSE और ढीले डाले के लिए, नाइस। एक और एंड देन दैट्स इट, विल गो अहेड, ओके। जो बंदा बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो दोस्तों, एकदम टेलीविजन में कुछ इमोशनल सीन आ रहा, बंदा पहले रो दिया, यार क्या बाबा क्या सीन, इमोशनल और मॉडलिन। देखो राज ने लिखा है, सभी लोग चेक करो, उस बच्चे ने क्या लिखा, गाइस लिखो मेरी बात मानो, आप मुझ पर ट्रस्ट करो यार, मुझ पर मान लो तो मेरी बात, मैं तो बोल रहा हूँ अभी, मान लो, बाकी अब आप 2-4 महीने के बाद देखना उसका मैजिक। MAUDLIN, देखो मनोज बाबू भी लिख दिया हमारे, क्या हो गया साक्षी जी, आप नहीं लिख रहे हैं सेंटिमेंटल, शाबाश, गुड। चलो यार, स्टॉक मार्केट को यहाँ पे देखो, टुकु डुकु डुकु डुकु, हमारी नाक देखो, टुकु डुकु डुकु डुकु, ऐसे नीचे गिरना, इसको इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं, नोज डाइव, याद रहेगा आपके, और मेरी नाक ऐसे तरह ना, ऐसे करके शक्ल बनती है, ये नाक, फिर इसके ऐसे के, छोटे थे तो ऐसा बनाते थे ना, बोला ऐसा करके, तो ये जो नाक अपने नीचे ऐसे, इसलिए इस वर्ड को बोलते हैं नोज डाइव। राइट, किसी चीज का बहुत तेजी से गिरना, हाँ डाउनफॉल, ठीक है, प्लंज, PLUNGE, प्लमेट, PLUMMET, प्लंज एंड प्लमेट, ओके, लिख दिया भाई सभी लोगों ने। ऑल गुड है दोस्तों, सभी को क्लियर है, प्लंज प्लमेट, ओके। यार ये आपके गेट ने पूछा था, मेरा नहीं क्वेश्चन, 2020 शायद, हाँ मार दो आंसर, मारो उसका आंसर। स्टॉक मार्केट प्लंज एट द न्यूज ऑफ कू, पता क्या दोस्तों, एक बार ना कैट के एग्जाम में वर्ड आया और उन्होंने वर्ड दिया था COUP,
NCOUP, ध्यान रखना दोस्तों, ये ट्रेन ब्रेन के डिब्बे जो होते हैं ना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं आप कू। इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ये एक्चुअली ना, ये शॉर्ट फॉर्म होता है कू डिटा, वर्ड होता है कू डिटा, फ्रेंच वर्ड है, तो इसको ना पढ़ते हैं कू, है CU कू, ऐसा पढ़ते हैं। मतलब जब आपकी मिलिट्री हमला कर दे, अब देश का शासन अपने हाथ में ले ले, पाकिस्तान वगैरह इसका बढ़िया एग्जाम्पल है कू, ठीक है, मिलिट्री कू हो जाता है वहां पे। स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से गिर गया, प्लंज, क्योंकि न्यूज आई कू, तो कभी भी कू होता है, मिलिट्री हमला कर दी देश पे, मिलिट्री बोले हम लोग देश चलाएंगे, बस बहुत हो गया आपका, उसको बोलते हैं कू, ठीक है, अच्छा वर्ड है, ध्यान रखना। मिलिट्री ने बोला हम सब कुछ कंट्रोल करें, कंट्रोल करने के लिए एक वर्ड बता देता हूँ, कर्ब बोलते हैं, CURB, कर्ब, KERB भी कर्ब होता है, कर्ब जानते हो KERB क्या होता है, रुको मैं ना एक फोटो दिखाता हूँ आपको अच्छा समझ, KERB, रोड, रोड का जो साइड होता है उसको कर्ब बोलते हैं, कर्ब साइड पार्किंग करते हैं ना, ये इसमें आपको अच्छा समझ आया, सेव इमेज 29, ऐसे दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ, अरे कहाँ चला गया दोस्तों, सॉरी यार, PDF हट यार, इमेज के लिए दोस्तों आप एक बार KERB कर्व लिखो ना गूगल में, और जिसको इमेज मिल जाएगी मुझे शेयर करो ना, मैंने सेव तो किया था, पता नहीं किधर रख दिया फालतू, फिर पता नहीं दोस्तों, सॉरी यार, मैंने कहीं और रख दिया लगता है, आई डोंट नो, मैं इसलिए वो कर्व दिखाना चाहता था, देखो दोस्तों मेरे पैर पे चोट लगने के पहले मैं खेल रहा था, ये मेरे रन्स हैं, मेरे पैर पे चोट लगने के पहले खेल रहा था, अभी खेल रहा हूँ, इस बार 5 मैन ऑफ द मैच थे मेरे, पैर पे चोट लगने फिर मेरे, ठीक खेल रहा था, खराब नहीं खेल रहा था, ठीक खेल रहा था, सब में नॉट आउट था, उसके बाद विकेट भी लिया था, ऐसा नहीं कि विकेट नहीं लिया था, क्या दिया मैच, ये उल्टा है क्या, ये घूमता है क्या, हाँ वैसे यही है, लेकिन लड़के ने उल्टा दे दिया हमको, ये घूमते हैं क्या दोस्त इमेज के, नहीं नहीं यार पता नहीं, घूम नहीं रहा, तो कर्व जैसे रोड के साइड का ये हिस्सा होता है ना, इसको बोलते हैं कर्व, ध्यान रहेगा क्या, ये समझ में आ गया, ये रोड के साइड, फुटपाथ के साइड, इसको बोलते हैं कर्व, ध्यान रखना ये एग्जाम में आता है, ठीक है, इसको बोलते हैं KERB कर्व। CURB क्या होता है, अभी आप देखो पूरी दुनिया में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हर देश के सेंट्रल बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रही है, इस स्टेटमेंट को कैसे बोलोगे, टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन आरबीआई, फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ से आरबीआई डिसाइडेड टू, सॉरी, टू कर्ब द इन्फ्लेशन आरबीआई डिसाइडेड टू इंक्रीज द बेंचमार्क इंटरेस्ट, टू कर्ब, कर्ब करना तो कंट्रोल करना, लगाम लगाना, क्लियर है सभी को, यार मैं अगली बार जब पूछूंगा ना तो पता रहना चाहिए इस बात को, याद रखना क्या क्या वर्ड बोला जरा कॉमेंट बॉक्स में, दोनों दोनों वर्ड को लिखो, CUPQ एंड CUPE, ट्रेन के डिब्बों को बोलते हैं कूप, CUP किसको बोलते हैं, मिलिट्री कू, कू डेटा एक्चुअली वर्ड ये कू डेटा, कर्ब एंड कर्ब, CURB कर्ब लगाम लगाना कंट्रोल करना, ओके, और KERB कर्ब रोड का जो एज होता है, लिखो ना भाई, से सुनते हो लिखो कमेंट बॉक्स में, लिखो भाई सुनते नहीं बैठना, कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, CUP CUPE एंड CURB KERB, ओके, हाँ सो लिख डालो भाई, ऐसे सोचोगे ना कि बैठ रहे होगे तो कुछ याद नहीं रहेगा, कभी मजा नहीं आ पाएगा, लोगों को बात को समझो, अलसाओ मत बैठ के, अलग ही ढीठ किस्म के बच्चे हैं यार, लिखो ना भाई,
सब लिखो भाई, इम्पोर्टेंट है सब। स्टॉक मार्केट ब्लैंक एट द न्यूज ऑफ कू, स्टॉक मार्केट प्लंज्ड, ये क्या है? COUPCA, हाँ कर्व इज लगाम लगाना, कंट्रोल करना। और ये पॉइज, अभी इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था T20 का, दैट वाज इक्वली पॉइज्ड। विराट कोहली साहब ने एक्सेप्शनल इनिंग खेला, निकाल के लाया मैच को, ठीक है। प्लग करना तो आप जानते हो, किसी गड्ढे वड्ढे को, ग्रुप को प्लग कर देना, कॉटन लगा दे, को लगा दे प्लग कर दिया। प्रोब मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है, अच्छा वर्ड है प्रोब। प्रोब मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, ओके। आप एक पिक्चर देखा था, अचानक एक एक्शन सीन आया आपके पास, वुप, आप बोले भाई ये क्या है यार, ये खतरनाक सीन क्या है? इट्स अ वाइल्ड इम्प्रैक्टिकल आइडिया। एक और भी है ना ये वाला सीन, चटाक से एक झापड़ जो मारता है, शेर का पंजा जो आता है, इट्स अ काइमेरिकल आइडिया, याद रहेगा आपको? हाँ सिंघम पिक्चर, काइमेरिकल, इसको ना काइमीरा कुछ लोग शिमेरा बोलते हैं, आपकी मर्जी है जो बोलना बोलो। CHIMER, काइमीरा। क्या होता सर काइमेरा? काइमेरा वाइल्ड इम्प्रैक्टिकल फैंसीफुल आइडिया, मतलब जो संभव नहीं है उसको बोलते हैं वाइल्ड इम्प्रैक्टिकल फैंसीफुल। आपको सपनों में ऐसा लगे बस, फैंसीफुल आइडिया, इट्स कॉल्ड काइमेरिकल आइडिया। ऑल गुड है भाई, सभी को मजा आया? दोस्तों एक बेसिक क्वेश्चन आया था, CHSL का ही ले रहा हूँ, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे क्वेश्चन आते हैं इसके भी। ये देखो बताओगे आप लोग आंसर खुद से बताओगे 60 सेकंड्स में। The fundamental character of an individual defines his entire life. The fundamental is the core, आपका core कैसा, right? The essential, yes, the quintessential, essential. Fundamental character, the main character, the essential character. Very good question यार. और options बहुत अच्छे थे. Successful, effective, बहुत अच्छे options हैं generally, right? Guys, there is a word for hatred के लिए बहुत सारे words हैं. For example, आपको कोई भी पिक्चर देख के एकदम गुस्सा आया, दिमाग खराब हो गया, हेट्रेड हो गया, हेट्रेड, HAT, the lot of words, there are lot of words to represent hatred, hatred, abhor, 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 hatred, okay, detest, DETEST, loath, LOATHE, Averse, AVERS, ये ना आपके एग्जाम पूछा हुआ है, उन्होंने इसमें दिया था एवर्जन। एंड कैट आस्क द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, एवर्स एंड एडवर्स, लिखो कॉपी अपने अपने, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स एवर्स एंड एडवर्स। गाइस प्लीज मेरे साथ चलिएगा, तकरीबन 20 मिनट करीब और लूंगा सेशन, ओके। एवर्स एंड एडवर्स, एवर्स इज फॉलोड बाय प्रपोजिशन टू, एवर्स का मतलब हेट्रेड, हेट्रेड टू समबडी, हेट्रेड टू समबडी, ओके। सभी को क्लियर है भाई? मस्त टाइप से क्लियर है कि नहीं? एवर्स का मतलब होता है हेट्रेड, हेट्रेड टू समबडी। एडवर्स का मतलब है एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस, एडवर्स ये सब कुछ, राइट? सारे के सारे वर्ड्स, ऑल दीज वर्ड्स आर गुड, हेट्रेड, अबोर, डिटेस्ट, लोथ, एडवर्स, सॉरी एवर्स, व्हाटएवर दैट इज, ओके। एवर्स टू समथिंग, conflict of interest, okay. This was the question once again which was asked this year, okay. Mari answer.
रिजेंटमेंट इज हेट्रेड एंड हेट्रेड इज इरिटेशन. कंटेंटमेंट इज सेटिस्फैक्शन गाइस, इट्स अ वेरी गुड वर्ड कंटेंट. He was happy because he was content. He was content because he was happy. Right? Contentment is satisfaction. Fulfillment is ekdam mast. Fulfilled. I'm satisfied. Sufficed. Satisfied. See, irritation. Guys, all good? मजा आ सकता है तक. Ready? Uncompromising. Uncompromising is somebody who is absolutely not flexible. Bhai, meko to ye chahiye no matter what, no matter how. That is called uncompromising. Uncompromising attitude, uncompromising behavior. Okay? Shapeless, angry, without inflexible. All good? Guys, are you clear? Achha word hai, uncompromising. Guys, you went to a beach? Sea beach kar rahe aap. Ab dekhe, yaar, kya jabardast hai. What a beautiful, serene, peaceful, tranquilizing experience. Aap samajh maine kya bola? Tranquil, acha word tha. Serene. Serene. S-E-R-E. Ye aise na, bluish sa beach, aur ye paani, aur saaf sutra. Tranquil. T-R-A-N-Q-U-I-L. Tranquilizing. Serene. Tranquilizing. Absolutely shanti se bharpoor. Peaceful. आपके गेट के पेपर है तो पीस और पीस में भी डिफरेंस पूछ लिया था. पीई ए सी ई एंड पी आई ई सी ई, इसमें भी डिफरेंस पूछा था. आपके गेट में पेपर था 2018 का, आईडी गुवाहाटी का. सो आपको मैं क्वेश्चन क्या देता हूं, व्हाट इज द आंसर. Guys, come on. Shut up, sit down. Serene is something that is quiet, peaceful, shant, mast ekdam. Sorrow to dukh dard ko bolte hain dosto. Melancholiness, extremely hot. कौन सी 2 PM पे आज, कल, कब बोल रहे? YouTube पे तो आज नहीं मेरे ख्याल क्लास, कल है ना. 2 PM पे कौन सी क्लास है, देखा नहीं मैंने तो. कौन सी है, कहां पे दिखा रहा है, कुछ दिखा रहे हैं. यार ये वो ना, ये मेरे ख्याल इसे मैंने लिया था, ये वो रिकॉर्डेड सेशन है, देख सकते हो. वो प्रीमियर हो रहा है, देखो प्रीमियर का मतलब होता है कि पहले हो रिकॉर्ड, मतलब बनी हुई हो रखी क्लास, उसका रिकॉर्डेड वर्जन है, उसको प्रीमियर होना बोलता है. और लाइव तो फिर लाइव ही होता है. चलो आ जाओ दोस्तों, गदर पिक्चर पे चलते हैं. भाई साहब सनी पाजी ने मचा दिया इस बार गदर में, लेकिन गदर 2 में हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था और जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा. क्या खतरनाक जबरदस्त लगते हैं सनी देओल साहब, मुझे तो बहुत मस्त लगता है, बहुत ही जबरदस्त लगते हैं. और मेरे को क्या है, सभी को अच्छा लगता है, कितनी चली उनकी पिक्चर. सनी पाजी ने बोला 2.5 किलो का हाथ है कात्या,
जिसको पढ़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। हमें बोला सर आप बोल रहे होगा ही सदा है 100 पर 3-4 किलो तो ऊपर ही होगा मेरे हिसाब से, 4-5 किलो बोलते मैं तो मान लेता सर, कौन मार खाए भाई। सर व्हाट अ रोबस्ट पीस ऑफ हैंड यू हैव, रोबस्ट हैंड, रोबस्ट एकदम सॉलिड। इधर पर मारो जी आंसर गाइस, कम ऑन। बिल्कुल सही, रोबस्ट लाउड स्टैंड टू स्टर्डी ये स्ट्रॉन्ग, बहुत बढ़िया क्लियर लाउड, बिल्कुल ठीक बोला आपने। दोस्तों मैंने बोला कि एक सीरीन वाला बता था, शांत एकदम शांत के लिए एक वर्ड होता है यार, कौन सा वाला करेक्ट है? जैसे यहाँ पे ये जो वायरस होते हैं, क्या नाम इनका, क्या तो नाम होता है, वीरू शास्त्र बुद्धे, ये क्लास को बोलते कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, क्वाइट की स्पेलिंग क्या होगी, QUIET या फिर QUIT, दोनों में से कौन सी स्पेलिंग करते हैं दोस्तों, कीप क्वाइट QUIET या QUITE, क्वाइट का मतलब शांत, यस। और याद रखना ये क्वेश्चन आपके गेट में 2019 IIT मद्रास ने दिया था, क्वाइट शांत रहने वाला ये है, एंड QUITE समथिंग दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके ध्यान रहेगा सभी को, ध्यान रहेगा, बढ़िया वर्ड राइट, मस्त वर्ड है दोस्तों। हम लोग अक्षय कुमार साहब पे बहुत सारे वर्ड्स अलग अलग टाइम पे देखे हैं, शिखर पे अक्षय कुमार साहब, पीक पिनाकल एपेक्स, क्या देखे दोस्तों, क्या क्या देखे अक्षय कुमार साहब के लिए वर्ड, जरा बताओ मुझे, शिखर के लिए हम लोगों ने वर्ड देख रहा, क्या 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 देखा है, पीक पिनाकल एक्मे और आर्क, अच्छा एक्मे लिखा आपने, हाँ मैं आर्केन सोचा, मुझे लगा आर्केन लिखा आपने, जेनेथ, वेल डन लड़के, जेनेथ इज पीक एंड एपोजी एपेक्स, वेल डन यार, बहुत बढ़िया, आई एम हैप्पी टू सी दिस। और बोलो और बोलो, और एपेक्स, गुड गुड गुड, और बोलो मैं समझ नहीं, ब्लंटली कहां से है, ब्लंट मतलब तो कई बार आप बोलते हैं ना बहुत ही ब्लंट आंसर है, बदतमीज, ब्लंट मतलब बिना किसी शार्प एज का, ऐसे समथिंग इज नॉट पॉलिश्ड, ये लो भाई सिरने मार दो, एपोजी हाईएस्ट पॉइंट, पीक पिनाकल एपेक्स एक्मे हाईएस्ट पॉइंट, वेल डन, बहुत बढ़िया यार, एक को हील दे नाल में कटिया एक साल में, आजा कभी तले चा मैनू शॉपिंग मॉल में, तेरे नाल दे आहे वो रोजोंदिया रहंदिया, ओए क्वेश्चन ही आ गया, गाना गाते गाते एग्जाम में क्वेश्चन ही आ गया दोस्तों, उठा के पटक के फिर उठा के फिर पटक दो यार,
एज यू ग्रो ओल्डर एंड इंजरी टू योर हील, आपकी हील बोन में, मे टेक लॉन्गर टू रिकवर. रिकवर के लिए आप बोलते हो एच ई ए एन, रिजेक्टेड रिजेक्टेड. ये दोनों फर्स्ट वाले को देख लेते हैं. एज यू ग्रो ओल्डर एंड इंजरी टू योर हील, रिजेक्टेड. मैं आपने नोटिस किया होगा, मैं बहुत ज्यादा बार इस बात को बोलता हूँ कि यार वर्बल में ना करेक्ट आंसर मारो आप, राइट, सॉरी एलिमिनेशन करो आप, हमेशा हेल्पफुल होते दोस्तों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गाइस यहाँ तक मजा है सभी को, क्या बोलते हो आप लोग, मस्त है, इसे मजा है, सुपर है इसे. मैं आपको तीन वर्ड्स पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना, जो फोटोग्राफ में मैं ला के रोकूंगा आप मुझे बताना, देखते हैं क्या बोलते, ठीक है. चलो संदीप जी के सॉलिड हाथ के लिए हम लोगों ने एक वर्ड बोला था, ये 2.5 किलो का हाथ है, कहते हैं रोबस्ट, आर ओ बी यू एस टी, रोबस्ट, रफ एंड टफ, स्टर्डी, गुड शैवा, स्टेडफास्ट, रिजोल्यूट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. बड़े अच्छे लगते हैं, टिडिंग टिडिंग टिडिंग, बड़े अच्छे लगते हैं का जो चीज बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो. गाइस कम ऑन, मार दो इसका आंसर भी. कॉपियस अच्छे लगते हैं, प्रोफ्यूज अच्छे लगते हैं, वेरी गुड. और क्या, कॉपियस प्रोफ्यूज हो गया, और बोलो, अबंडेंट, इनॉर्मस, जिनॉर्मस, अम्प्टीन, प्लेथोरा, ये सारे के सारे वर्ड्स आ जाएंगे, सही है. एम्पल स्टॉक मार्केट जिक जिक जिक, नाक की तरह नीचे गिर रहा है, देखो वर्ड बोलो अगर आपको याद हो तो. हाँ मतलब स्टॉक मार्केट के लिए नोज डाइव, और बोलो टी से शुरू होता कुछ वर्ड आया था क्या, प्लमेट, पी एल यू एम एम ई टी, प्लमेट, वेरी गुड. और बोलो नोज डाइव, और बोलो प्लंज, नादिर भी चलेगा, राइट, ठीक है दोस्तों. ये वर्ड आप लिख के रखो अपनी कॉपी में या आपके एग्जाम में आएगा, आपको बताया था, आई एल एल आई सी आई टी, इलिसिट एंड इलिसिट, ई एल आई सी आई टी, ध्यान रखना दोस्तों, इलिसिट का मतलब इलीगल, जहां पे इलीगल एक्टिविटी देखोगे आप इलिसिट, या ऐसे याद रखने में आसान रहेगा. आप यू वॉन्ट टू इवोक अ रेस्पॉन्स फ्रॉम योर ऑडियंस, इवोक करवाना रेस्पॉन्स, इलिसिट, डबल स्टार लगाओ, अभी के अभी लगाओ डबल स्टार इसमें. ऑल गुड है भाई, सभी ने लिखा, आपको याद है हम लोगों ने एक वर्ड देखा था EU, एक रूट वर्ड देखा था EU, जो बोलूंगा ध्यान से सुनना, किसी बात को ऐसे बोलना कि सामने वाले को बुरी ना लगे, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूफेमिज्म. किसी को जैसे किसी अनफॉर्चुनेटली किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो डेड बोलने से अच्छा पास्ड अवे, कोई हाइट में छोटा है तो वर्टिकली चैलेंज्ड, स्पेशली एबल्ड, ऐसे. यू फोनी, फोनी वर्ड जहां पर भी आता है साउंड को लेके आता है, ई मतलब, यू मतलब अच्छा साउंड, जो लोग अच्छा गाते हैं, ठीक है. यूलॉजी, यूलॉजाइज करना, ई यू एल ओ जी वाई, क्या बोलते हैं, तारीफ करने को बोलते हैं, यूलॉजाइज करना, पैनेजराइज करना. दुनिया में कई जगहों पे जो लोग बहुत सारे, भगवान ना करे किसी बीमारी सफर कर रहे होते हैं, उनके जिंदगी जीना बहुत डिफिकल्ट होता है, आप देखेंगे तो इच्छा मृत्यु, एक वर्ड सुने ना लोग, यूथनेशिया बोलते हैं, टी एच ए एन ए एस आई ए, जो महाभारत में भीष्म पितामह को वरदान था ना, वो यही था, यूथनेशिया मतलब इच्छा मृत्यु. तो ऐसा तो बहुत सारे जगहों में नहीं हो सकता, हमारे यहाँ भी नहीं कर सकते, यूथनेशिया बोलते हैं, ठीक है. अच्छे वर्ड्स हैं सारे के सारे, बहुत अच्छे वर्ड्स हैं. यूफेमिज्म मतलब किसी बात को ऐसे बोलना कि सामने वाले को बिल्कुल बुरी ना लगे. यूफोनी, यूफोनी मतलब मधुर स्वर, जैसे कैकोफोनी होता है ना, कैको सी ए सी ओ, कैको मतलब कर्कश, इरिटेटिंग, जारिंग नॉइस, फोनी. तो कैको मतलब जहां पे भी कैको वर्ड आएगा, इरिटेटिंग, जारिंग नॉइस. मजा आया सभी को याद रखे. 2019 में आपके एग्जाम में एक वर्ड आया था वेरेशियस, वीई R A C I O U S. मैं हमेशा इस वर्ड को इंपॉर्टेंट लगाता हूँ, काफी बार बोल रखा है मैंने. वेर रूट वर्ड जहां पे भी आएगा सच को लेके आएगा, ओके. वोरेशियस, हर्बी वरस, कार्नी वरस, वॉर जहां पे आएगा W O, सॉरी V O R V O U R,
भोजन को ले जाएगा। मेंडेशियस, MENDACIOUS, देखो मैं काफी सारे वर्ड्स बोल दे रहा हूँ। वेरेशियस, जो हमेशा सच बोलते हैं। वोरेशियस, जो खूब खाते हैं। दोस पीपल हु लव टू ईट, दे आर वोरेशियस। एंड मेंडेशियस, जो लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। गाइस ऑल गुड, मजा आया सभी को। वोरेशियस के लिए ये देखो, अरे कहाँ चला गया, रखा तो था यार। ये जो लोग ऐसा खूब खाते हैं, वोरेशियस, दे आर वोरेशियस ईटर्स। मजा है सभी को यहां तक के सुपर टाइम से। एक लास्ट वर्ड ऑफ द डे और वो है STATIONERY। गाइज एक तो होता है स्टेशनरी जहां पेन कॉपी किताब मिलती है, और एक ऐसा बैठ के पढ़ रहे हो तो याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं से फंडे बना दूं, ठीक रहेगा। देखो पेन कॉपी किताब जहां मिला, तो ये ए वाला क्या हो गया, रेस्ट को बता रहा है, याद रहेगा पेन कॉपी। ये कैट में पूछा वर्ड है स्टेशनरी, STATIONERY। जहां पे आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ERY जहां पे आएगा पेन कॉपी किताब को ले जाएगा, और ARY जहां पे आएगा वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, जहां पे ARY आएगा वहां पे व्यक्ति रेस्ट पे चला जाएगा। ऑल गुड है, मस्ट टाइप से क्लियर है। चलो ये रहा पेन कॉपी किताब, स्पेलिंग लिख के होता है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, स्पेलिंग लिख के होता STATIONERY। वेल डन, हाई नोट पे फिनिश करो सभी लोग, लिखो भी STATIONERY, वेल डन। कैट पे पूछो भी, हल्के में ले रहे हो आप लोग, कैट में पूछा क्वेश्चन, STATIONERY। ओके मस्त। देखो मैंने सोचा अभी जस्ट अभी मैं ऑफिस खत्म किया, वैसे फटाक से क्विक फायर सेशन रखता हूँ आपके लिए। मजा आया आप सभी को कि नहीं, मस्त टाइप से मजा आया। तो यही था दोस्तों हम लोग आज का सेशन, अगर आपको मजा आया होगा तो यहाँ पे अपना वो भी लिखेगा ओपिनियन, यहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हो, और आपको मन करे तो, ठीक है। और ये मेरा बैच चल रहा है, और ये जस्ट अभी स्टार्ट हुआ, और एक बैच मैंने अपनी तरफ तो भेज दिया, लेट्स सी देखते हैं 29th को स्टार्ट होगा क्या, ठीक है दोस्तों। ये सारे अलग अलग बैचेस हैं, कोड यूज कर सकते हो। और एक मिनट, यूट्यूब में ना ये कहाँ से, ये हाँ सॉरी, कल यार मैंने 6 घंटे के सेशन लूंगा, ठीक है हाँ, देखते हैं दोस्त। अभी तो मैं तो अभी आज तो फ्री, आज और कल एकदम ऑक्यूपाइड हूँ यार काम में, परसों में देखता हूँ, ठीक है दोस्त। ध्यान रखना दोस्तों, 6 hours, 6 नहीं sorry, 6.5 hours actually, roughly 7 hours का एक session है जबरदस्त टाइप से, कल ध्यान रखना। आज अभी तो शाम दोपहर हो रही है, कल कल सुबह के 9 बजे लूंगा सेशन, ठीक है। ऑल गुड, रेडी रहना, तो मजा आएगा, ठीक है। चलो ये सारा का सारा देख सकते हो, अलग अलग प्रोग्राम अकेडमी का, मस्त तरीके से मजा आया सभी को। यही तक ये रखें, फिर सारे के सारे वर्ड याद हो गए। सनी पाजी वाला वर्ड क्या था, सनी पाजी वाला वर्ड, 2.5 किलो का हाथ है कात्या, रोबस्ट वर्ड, शाबाश, बहुत बढ़िया, नाइस। चलो जी तो फिर यहां तक ये रखते हैं, इसके बाद की चीज देखते हैं नेक्स्ट सेशन, ओके। बाय बड़ी, टेक केयर, जय हिंद।